ओम शांति। सबसे बढ़िया खुराक कौन सी है? खुशी की खुराक। भाई लोग क्या बताते हैं? आज बाबा ने कौन सी खुराक खिलाई? नहीं, ज्ञान और योग की खुराक। ज्ञान और योग से फिर खुशी भी आती है। बाबा ने फिर खुशी को भी खुराक बताया हुआ है, लेकिन सबसे पहले बाबा ने आज बताया कि बाबा आकर कौन सी खुराक खिलाते हैं। ये ऐसी खुराक है जो आत्मा कई जन्मों के लिए तंदुरुस्त हो जाती है। 21 जन्मों के लिए तो है ही है, उतने जन्म तक आत्मा तंदुरुस्त रहेगी। माँ बाप बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनको हेल्दी चीज़ें खिलाते हैं ना, उनको खुराक खिलाते हैं, बादाम है, बहुत सारी चीज़ें खिलाते हैं, घी, क्यों? उनको भाई आगे भी बुढ़ापे तक उनका शरीर अच्छा रहे। तो बाबा कौन सी खुराक खिलाता है? तो ये आत्मा के लिए खुराक है। शरीर की खुराक तो जो हम खाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये आत्मा के लिए खुराक है। आत्मा के लिए खुराक क्यों है? क्योंकि आत्मा अभी कमजोर हो गई है, आत्मा की शक्तियाँ क्षीण हो गई, तो फिर से उसको शक्तिशाली बनाना है तो खुराक की ज़रूरत है। तो बाबा आकर के ये खुराक खिलाते। तो अब हमें चेक करना है कि मैं उस खुराक को कैसे ले रहा हूँ, ठीक से ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ। ज्ञान योग की खुराक है ना, तो ज्ञान अर्थात मुरली क्लास, बाबा की मुरली क्लास, वही है ना ज्ञान का सोर्स। हम सबको ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो रहा है? मुरलियों से ही प्राप्त होता है ना। तो मेरा तो सौभाग्य है, आप सब देखते होंगे, मेरी सीट फिक्स होती है मुरली में, सबसे आगे कैमरे पे मेरी सीट फिक्स है, उस पर कोई नहीं बैठ सकता। तो ड्रामा अनुसार ये सौभाग्य मिला हुआ है सेवा के बहाने। सेवा तो कुछ नहीं है, बैठना ही है, लेकिन सेवा के बहाने एक सौभाग्य है बाबा को सम्मुख देखने का, बाबा की मुरली को एकदम सबसे नंबर वन स्टूडेंट बन के सुनने का, ये मेरा सौभाग्य है। तो मुरली को जितना हम ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते हैं, उतना ही हमारे जीवन में आत्मा शक्तिशाली बनेगी। ये खुराक हम ले रहे हैं ना ठीक से। केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं है, सुनने के साथ साथ हमें उसका मनन भी करना है, उसमें से कुछ पॉइंट्स भी लेने, क्योंकि वही खजाना है आत्मा के लिए। वो खजाना जितना आप जमा करते जाएंगे उतनी ही आत्मा शक्तिशाली बनेगी, तभी वो खुराक लगेगी आपको। खुराक हम खा तो लें लेकिन लगे ही ना शरीर को, हजम ही ना हो, तो वो हजम कैसे होगा? ज्ञान, ज्ञान भी तो बहुत पावरफुल खुराक है, इतना ऊंचा ज्ञान है स्वयं डायरेक्ट परमात्मा का दिया हुआ, उसको भी हजम करना इतना ईजी नहीं है ना, उसके लिए भी आपको मनन चिंतन करना पड़ेगा। जितना मनन चिंतन करेंगे उस ज्ञान का, उतना वो अंदर समाएगा। हजम का मतलब है धारणा में आना, एक है ज्ञान सुनना, इसका मतलब हमने ये खुराक खाई, लेकिन वो खुराक हमारा शक्ति कब बनेगी, अर्थात हमारा वो ज्ञान धारणा में कब आएगा? जब हम उसका मनन चिंतन करते हैं, उस पर कुछ विचार करते हैं। कुछ भी एक पॉइंट भी ले लो, उसे एक पॉइंट पे भी विचार कर लो, कोई बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है कि आपको पूरी मुरली ही याद करनी है, इतना नहीं हो पाता है। कम से कम एक पॉइंट पे भी विचार किया तो भी आप देखिए साल में कितने पॉइंट्स हो जाएंगे आपके पास, है ना। तो हम तो कितने सालों से बाबा की मुरलियाँ सुन रहे हैं, तो इसलिए इस खुराक को हमें अच्छे से लेना है। दूसरी खुराक कौन सी है? योग। ज्ञान और योग, ये दो ही तो मैन है, ये दो ही तो पंख हैं जिससे आत्मा उड़ेगी, और जिसके ये दो पंख मजबूत हैं, पावरफुल हैं, वो आत्मा सदा उड़ती रहती है। और गीत भी बहुत अच्छा बजाया भाई ने, खुशी। तो मैं आज इसी के विषय में सोचा आप सबसे बात करूं कि खुशी जो हम सब चाहते हैं जीवन में, लेकिन वो हम रह नहीं पाते, थोड़े समय रहते हैं फिर वो खुशी गायब हो जाती। तो आप में से कौन बताएंगे कि खुशी क्या चीज है, खुशी का स्वरूप क्या है? एक जैसे दुनिया में आपको मैं उदाहरण दूं तो हंसना, उसी को खुशी मानते हैं, और अच्छी बात है वो भी, लेकिन वो ही इनफ नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है। उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, लाफिंग क्लब में जाते हैं, वहाँ हंसेंगे सभी, है ना, या पार्कों में इकट्ठे हो जाते हैं सभी बुजुर्ग लोग, बस सब हंसते रहते हैं। लेकिन वो थोड़े समय के लिए तो शरीर को तो कुछ हो सकता है, कुछ बीमारियों से
बचाए वो, लेकिन वो रियल खुशी तो नहीं है ना। तो रियल खुशी कैसे दिखाएंगे हम सब? तो हम सब भी लाफिंग क्लब में प्रैक्टिस करके देखें अभी हंस के देखें, हंस सकते हैं, सदा ही हंसते रहते हैं। वाह देखो माता जी नेचुरल हंस रही है हंस के दिखाओ भाई, लोग तो हंस नहीं रहे, देख रहे मेरे को, हंस के दिखाइए। सब सब नहीं कर रहे हैं, गीता बहन तो देख रहे हैं ऑब्जर्वर कब बन के। कहने का भाव ये है, ये सब तो टेम्परेरी है, लेकिन बाबा हमें कौन सी खुशी चाहते हैं? बाबा हमें असली खुशी, वो असली खुशी का स्वरूप क्या होगा वो सोचिए, उसके अंदर कौन कौन सी बातें हैं। अविनाशी होगी वो, और बताइए जी, प्राप्ति, प्राप्ति की अनुभूति होगी, और भरपूरता होगी, संतुष्टता होगी, और बताइए बेफिक्र होंगे, बहुत अच्छी बात, सबको बताना है। और बताइए माताएं जो नेपाल से हमारी माताएं दोनों, आप तो बोल नहीं रहे कुछ भी, संतुष्टता होगी बताया, और बताइए सच्ची खुशी, किसे कहेंगे सच्ची खुशी? ऐसे तो हम सब बाबा के बच्चे खुश रहते ही हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो वो ऊपर नीचे ना हो, सदा खुश हमारा रहे, उसके लिए हमें किन बातों की जरूरत है? सबसे पहले तो आज बाबा ने भी बताया कि देही अभिमानी, जितना आप देही अभिमानी बनने की अभ्यास उसका पुरुषार्थ करते हैं उतने ही आप खुश रह सकते हैं। क्योंकि खुशी को छीनने वाली कहीं ना कहीं हमारी ये देह अभिमान, देह का भान, ये चीजें हैं जो हमें हमारी खुशी को हमसे छीन लेती, गायब हो जाती। तो जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना ही हमारे जीवन में खुशी रहेगी। अब देही अभिमानी का मतलब बाबा ने आज जैसे कहा कि भाई आत्मा को देखना है, आत्मा आत्मा को, भाई भाई को देखना है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि देखने का भाव बाबा का ये है समझना। अब देखने का मतलब भाई ने मान लो गर्दन नीचे करके वो सुन रहे हैं, अब उसको मुझे दिख नहीं रही आत्मा, तो अब मैं उसको ये थोड़ी कहूंगा भाई जरा ऊपर करो मैं आपको आत्मा देखनी आपकी तो आत्मा देखने का भाव क्या हुआ? या किसी ने पीठ कर रखी है मान लो, तो उसे ये कहूंगा भाई पहले पर चेहरा दिखा, पहले अब मैं आपकी आत्मा देखूंगा क्या? इसका भाव क्या है आत्मा देखना? आत्मा समझना। आत्मा समझने का मतलब है आत्मा के जो गुण हैं, निजी गुण, हर आत्मा के अंदर कौन कौन से गुण हैं बताइए? हाँ, ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, प्यार, आनंद, खुशी और शक्ति। ये आत्मा के निजी गुण हैं जो हर आत्मा के अंदर है, वो कैसी भी आत्मा है कि नहीं? ये अनादि स्वरूप है आत्मा का। तो हमें अपने भी अनादि स्वरूप में रहना है कि मैं आत्मा भी शांत हूं, पवित्र हूं, प्रेम स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, और सामने वाला भी वही है, क्योंकि हम सब एक घर के हैं, एक घर के भांति हैं और एक बाप के बच्चे हैं। उस भाव से देखना, अपनेपन से देखना, देखना भी समझना उसको कि ये भी बाबा के बच्चे हैं, ये भी उस परमधाम से आए हैं, ये भी सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजा रहे हैं अपना अपना, सबका अपना अपना एक्यूरेट पार्ट है। उस भाव से चलना एक दूसरे के साथ, तो देखने का मतलब ये हुआ, मैंने ये समझा। तो जितना जितना हम देही अभिमानी बनेंगे उतना उतना हमारी खुशी गायब नहीं होगी, हमारी खुशी सदा रहेगी। दूसरा, खुशी का आधार है हमारा स्मृति। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। अगर हम दुख की बातों को याद करते रहते हैं तो हमारी स्थिति कैसी होगी? दुख की स्थिति होगी ना, हमें दुख का अनुभव होगा। अगर हम अच्छी अच्छी बातों को याद करते रहें, बाबा की मुरली में कितनी अच्छी अच्छी बातें आती हैं। आज भी बाबा कह रहे थे मैं आपके लिए हथेली पर स्वर्ग लाया हूं, हथेली पर स्वर्ग लाया हूं, आपको खुशी होनी चाहिए, तुमको कौन पढ़ा रहा है ना, बाबा ने आज भी याद दिलाया। तो मुरली मतलब क्या है? स्मृति। वो स्मृति दिलाता है बाबा, रोज रोज स्मृति दिलाता है, हम भूल जाते हैं, हम कहते हैं बाबा वही तो पॉइंट है, कल भी यही बोला था, आज भी यही बोल रहे हैं। बाबा बोल नहीं रहे हैं, बाबा आपको स्मृति दिला रहे हैं, हम भूल जाते हैं ना, भूल जाते हैं तो वो नशा नहीं रहता, वो खुशी नहीं रहती है। तो बाबा रोज मुरली में, मुरली सुनना मतलब स्मृति जागृत करना, बाबा वापस हमारी स्मृति को जागृत कर रहे हैं कि आपको कौन पढ़ा रहा है। तो उसी नशे से हम जब सुनते हैं मुरली, पढ़ते हैं, तो उसका नशा ही अलग होगा, उसकी खुशी ही अलग होगी। तो मुरली में ऐसे कुछ ना कुछ ऐसी स्मृति की पॉइंट निकालें रोज, जो लिखना जानते हैं तो वो डायरी में जरूर नोट करें पॉइंट्स, कि बाबा ने कौन कौन सी स्मृति की पॉइंट बताई, नशे की पॉइंट बताई आज की मुरली में,
तो वो ही तो आपका खजाना है, ये ज्ञान धन है। ये ज्ञान धन जितना आपका बढ़ेगा उतनी ही आपकी खुशी बढ़ेगी, क्योंकि जो आत्मा के सातों गुण हैं उसमें सबसे पहला गुण कौन सा है? आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है तो वो पवित्र है, उसके अंदर शांति है, उसके अंदर सुख है, उसके अंदर प्यार है। फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन ज्ञान है। इसलिए ज्ञान स्वरूपम शिवो हम शिवो हम, शिवावा ने अपना परिचय क्या दिया? मैं ज्ञान स्वरूप हूं। इसलिए सबसे पहला महत्व है ज्ञान का। जितना जितना ज्ञान का मनन चिंतन, ये खजाना जितना बढ़ेगा उतनी ही खुशी बढ़ेगी, उतना ही प्यार बढ़ेगा, उतना ही आपके सारे गुण खजाने भरपूर होंगे। इसलिए हमें चेक करना है कि हमारा ज्ञान का भंडारा भरपूर है या अभी भी हमारे मन में क्यों क्या ये सवाल आते हैं। अगर ये सवाल आते हैं इसका मतलब अभी भी हमने ज्ञान को पूर्ण रूप से समझा नहीं है। कोई भी परिस्थिति आ रही है आपके जीवन में, कोई भी बातें आ रही हैं, वो तो हर एक के सामने आएंगी ही, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि परीक्षा के बिना कोई स्टूडेंट्स पास हो जाए। परीक्षाएं तो आनी ही हैं हर एक के सामने, लेकिन उन परीक्षाओं में मैं कितना स्थिर रहा, मेरी मन बुद्धि कितनी स्थिर रही, क्यों क्या के बहुत ज़्यादा सवाल तो मेरे मन में नहीं आए। ये चेकिंग है अपनी। अगर हम ऐसी अपनी चेकिंग करते हैं, क्योंकि जो बाबा कहते हैं ना पास विद ऑनर, तो ये कोई और कोई सर्टिफिकेट थोड़ी देगा हमें कौन पास विद ऑनर है कौन नहीं है कौन फेल है, कौन बताएगा। ये हम खुद अपना जज बनेंगे, हम खुद अपने को चेक करेंगे कि मैं कोई भी परिस्थिति में कितना पास रहा, कितना फेल रहा, कितने नंबरों से मैं पास हुआ, थोड़ी बहुत ही फर्क आया, मैंने तुरंत अपने को ठीक कर लिया, या मैं उसकी परिस्थिति में एकदम बिखर गया। क्या स्थिति रही आपकी? कोई भी परिस्थिति आई, चाहे लौकिक परिवार में, चाहे लौकिक में, कहीं भी कोई भी बातें आ सकती हैं, चाहे शारीरिक बीमारी के रूप में, चाहे संबंधों के रूप में, किसी भी रूप में कोई किसी के सामने कोई परीक्षा आ सकती है, लेकिन उस परीक्षा में उस परिस्थिति में मेरी मन स्थिति कैसी रही, ये है पढ़ाई। इसको हमें चेक करना है। तो जितना जितना आपकी स्मृति को हम पावरफुल बनाते जाएंगे, अच्छी अच्छी स्मृतियों में रहने शुरू कर देंगे। याद क्या है? बाबा कहते हैं मेरी याद में रहो, तो याद मतलब केवल बिंदु को देखते रहो तो सिरदर्द हो जाएगा, कईयों को हो जाता है ना, कहते हम तो बिंदु देखते रहे और सिरदर्द हो गया। तो केवल बिंदु नहीं, बिंदु में क्या सिंधु समाया हुआ है उसको याद करना है। मैं आत्मा भी केवल बिंदु नहीं हूं, मुझे आत्मा के अंदर भी इतने सारे गुण विशेषताएं बाबा ने भरी हुई हैं, उनको याद करना है, जिसको बाबा स्वमान कहते हैं। उन स्वमानों को याद करूं, मैं कौन सी आत्मा हूं। मैं सिर्फ आत्मा नहीं हूं, आत्मा तो सभी हैं, जो काम कर रहे हैं लेबरर्स काम कर रहे हैं वो भी आत्मा है, हम भी आत्मा है। तो हम सिर्फ आत्मा है या कुछ और हैं? तो जब आप जब भी अपने को आत्मा समझें, उसके साथ स्वमान को जरूर जोड़ना है कि मैं कौन सी आत्मा हूं। कौन सी आत्मा है आप सब बताइए? अपने स्वमान भाग्यशाली आत्मा है, पद्मा पदम भाग्यशाली, भाग्यशाली तो बहुत होंगे, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा है। और बताइए, विश्व कल्याणकारी आत्मा है। माता जी बताइए, आप ज्ञान स्वरूप आत्मा है, बहुत बहुत सुंदर। बताओ माता जी, आप भी बोलना, बोलो बोलो, कल्याणकारी हैं आप भी, बहुत अच्छा बात, सबका कल्याण करना है, बहुत बढ़िया। आप जी पवित्र आत्मा है, आप रूहे गुलाब, वो आप बताइए। नहीं एक और नहीं बोल रहे बीच साथ में जो वो याद नहीं आ रहा अपना कोई स्वमान। बाबा ने हजारों स्वमान दिए, हजारों, शांत स्वरूप, एकदम शांत रहते हैं आप, इसलिए बोल नहीं रहे भाई जी पीछे निर्विघ्न आत्मा है आप, स्मृति स्वरूप, विश्व कल्याणकारी, बहुत अच्छा, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो कितने सारे स्वमान हैं आपको याद नहीं रहते, तो लिस्ट बना के रख लो अपने पास, ठीक है ना, आप फ्री टाइम में लिख के रख लो कौन कौन से स्वमान बाबा रोज की मुरली में भी देता है बाबा, उसमें से नोट कर लो। तो जब भी मैं आत्मा हूं समझो, तो स्वमान को जरूर ऐड कर लो उसमें, तो नशा रहेगा। तो कौन कौन सी बातें हुई खुशी के लिए? एक तो देहाभिमानी बनना है, दूसरा स्मृतियों को चेक करना है, स्मृति अच्छी अच्छी स्मृतियों में रहने का अभ्यास बढ़ाना है, और क्या है पॉइंट, दृष्टि, हाँ वो तो चेंज हो जाएगी स्मृति से, दृष्टि वृत्ति सब चेंज होगी, लेकिन स्मृति को पहले पावरफुल बनाना है। और सदा खुशी में रहने के लिए हमें दुआएं इकट्ठी करनी है, क्योंकि दुआएं ही हैं जो हमें
जो गलत वक्त पर हमें काम आती हैं, जो हमारे कठिन समय होता है हमारा, चाहे शारीरिक बीमारियों के रूप में या कोई भी किसी भी तरह का विघ्न होता है, उस समय हमें कौन मदद करता है? हमने जो दुआएं इकट्ठी की होंगी वो दुआएं हमें मदद करती हैं। दुआएं कैसे प्राप्त होती हैं? सहयोग देने से और शुभ भावना से, शुभ भावना शुभकामना से दुआएं इकट्ठी होती। और बताइए, सुख देने से। हाँ, किसने बताया? किसने बताया? आपने? अच्छा, बहुत अच्छा। सुख देने से, देखिए हमारे चार सब्जेक्ट हैं, आप सब जानते हैं कौन कौन से। माताएं बताएंगी, ज्ञान योग धारणा सेवा। ठीक है, ज्ञान योग है इनपुट अर्थात लेना। हम ज्ञान और योग से अपने अंदर भरते हैं, ज्ञान के खजाने को भरते हैं, योग से शक्तियों को भरते हैं। तो ये है दो सब्जेक्ट इनपुट्स, मतलब लेना, बाबा से हम ले रहे हैं। धारणा और सेवा, ये है आउटपुट अर्थात देना। जितना जितना आपने इनपुट लिया है, ज्ञान और योग किया है, उतना ही आपके जीवन में धारणा और सेवा दिखाई देगी। अगर ज्ञान योग ठीक है तो आपकी धारणा और सेवा भी ठीक होगी। अगर ज्ञान योग अगर उसमें गड़बड़ है कुछ, तो फिर सेवा, धारणा और सेवा में भी अंतर पड़ेगा, जितनी चाहिए उतनी नहीं होगी। तो हमें ये चेक करना है कि हमारी धारणा अगर ठीक नहीं है, जो अच्छी रीति आज दीदी बता रहे थे मुरली में भी, कि अच्छी रीति पढ़ने का मतलब क्या है, है ना, पढ़ के फिर उसको धारणा करना, उसको कहते हैं अच्छी रीति पढ़ना। पढ़ना सुनना, मुरली सुन लिया वो तो पढ़ना हो गया, लेकिन अच्छी रीति, अच्छी रीति का मतलब है उसको प्रैक्टिकल में धारण करना उस बात को। तो जितना जितना हमारी धारणा अच्छी होगी, उतनी उतनी हमारी सेवा अच्छी होगी। सेवा अर्थात सुख देना, सेवा का मतलब क्या है? सुख देना। और उसमें भी विशेष यज्ञ सेवा, यज्ञ सेवा मतलब मधुवन में आके सेवा करना। इसका बाबा ने कई मुरलियों में पहले बताया हुआ है कितना बड़ा पुण्य लगता है। इसको कहते हैं महायज्ञ। महायज्ञ में सेवा करना मतलब महापुण्य जमा करना। इतनी बड़ा बाबा ने इसकी विशेषता बताई हुई है। तो आप सब महान भाग्यवान हैं, बाबा के घर में सेवा का चांस आपको मिला हुआ है। तो इसमें लेकिन हम कभी भी किसी से रीस ना करें, किसी से कंपैरिजन ना करें, कंप्लेन ना करें किसी की, भाई इसने ये सेवा नहीं की या ये नहीं करती है, या हम परचिंतन में चले जाते हैं, पर दोस्त देखने लग जाते हैं ये तो सेवा करती नहीं है या तो लेट आती है या कुछ भी ऐसा हम देखते हैं। क्योंकि हमें अपना भाग्य जमा करना है ना, हमें दूसरों को थोड़ी देखना है। वो नहीं कर रहा है तो उसका अपना भाग्य है, लेकिन मुझे तो अपना भाग्य जमा करना है ना, मुझे तो सुख दे करके बाबा के यज्ञ में मुझे अपना जमा करना है, हमें दूसरों को थोड़ी देखना है। अगर हम दूसरों को देखते हैं, इससे दो तीन चीज़ें सिद्ध होती है। एक तो ये कि हमारा अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं है, हमारा कोई अपना कोई लक्ष्य नहीं बनाया हुआ है। जैसे जो दौड़ने वाले होते हैं ना, वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखते। आपने देखा कभी रेस होती देखना आप? तो वो केवल उनका फोकस कहाँ रहता है? बस अपने टारगेट पर रहता है। इतनी स्पीड में दौड़ते हैं, वो केवल उनको सामने वो दिखता है कि बस मुझे सबसे आगे निकलना है। वो ये नहीं देखता पीछे वाला कितना दूर है मेरे से, हैं? ऐसे देखता है क्या वो? अगर वो ऐसा देखे तो कभी फर्स्ट नहीं आ सकता, ये भी नियम है। तो इसी तरह हम सब की भी ये दौड़ चल रही है, पुरुषार्थ की दौड़ है, रेस है ना ये। तो इस रेस में हमें फर्स्ट आना है, तो फिर हमें किसी और को क्यों देखना? कोई जमा कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई योग कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई मुरली सुना नहीं सुना। साक्षी होके उसके लिए शुभ भावना रखनी है, साक्षी होके उसका पाठ देखना है, लेकिन उस साथ साथ शुभ भावना भी रखनी है कि बाबा इस आत्मा का भी उड़ती कला का पाठ हो जाए, ये भी उड़ती कला में आ जाए, ये भी अपने पुरुषार्थ में लग जाए, है ना। लेकिन उससे कहना नहीं है, शुभ भावना अंदर से कहना भी है तो बहुत ही, जब आप इतने स्नेह से इतनी शुभ भावना से अपनेपन से कहेंगे तो उसको स्वीकार होगी वो चीज़, तो वो स्वीकार करेगी, वो आत्मा रियलाइज करेगी। अगर आपके अंदर उतना प्यार उसके प्रति नहीं है, उतनी शुभ भावना अंदर में नहीं है, तो फिर कहना नहीं। कहना तभी जब आपके इतना अपनापन उसके लिए है, आपके उतना कल्याण की भावना उसके लिए है आपके अंदर, तब उसको आप समझा सकते हैं, बोल सकते हैं प्यार से वो भी, नहीं तो शुभ भावना से। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, सब ठीक है, सब एक्यूरेट है, बस मुझे अपना पार्ट पर ध्यान रखना है। तो इस तरह हम अपनी सेवाएं जो भी मिली हुई हैं उनसे सुख देकर के लोगों को हम दुआएं जमा कर सकते हैं, और ये दुआएं ही हमें सुखी रखेंगी, हमें खुशी प्रदान करेंगी।
दूसरा, खुशी कोई भी विनाशी चीजों में, साधन, व्यक्ति, वस्तु, जो भी विनाशी है उसके अंदर जो खुशी है वो कैसी है? टेम्परेरी, कुछ समय के लिए। कल रसगुल्ला खाया हो ना सभी ने, देखो मुंह में पानी आ गया होगा कईयों को, तो अभी तो एक खाया होगा किसी ने, दो आज खीर, देखो मैं नहीं खाई इसलिए मेरे को याद नहीं है, तो किसी ने एक खाया, किसी ने दो खाया, किसी ने इच्छा की होगी कि भाई तीन मिल जाते तो और भी मजा आ जाता, तो चलो किसी ने तीन भी खा लिया, चौथा भी मिल जाए उसको, पांचवा भी मिल जाए, छठा भी मिल जाए, तो क्या होगा? कह लो तो खैर खा भी जाएंगे पर फिर भी छठे के सातवां मिल जाए उसके बाद ना करेगा ना, वो कह दी नहीं नहीं मुझे तो आपसे बहुत प्यार है, मुझे तो आपको खिलाना ही है, आपको बहुत पसंद है ना आप रसगुल्ला, नहीं आपको तो सातवां भी खाना ही पड़ेगा, तो क्या करेगा वो? वो बोले भाई मेरे पीछे क्यों पड़ा, भाई नहीं खाना मुझे वो सातवां अगर खा लिया तो क्या होगा उसको? वो सुख देगा कि दुख देगा? तो ये जो विनाशी चीजें हैं ये टेम्परेरी हैं, कुछ समय के लिए आपको सुखी कर सकती हैं, खुशी दे सकती हैं, लेकिन सदा काल के लिए जैसे जैसे इसकी संख्या बढ़ेगी आपको और सुख दुख में बदल जाएगा, आपको हजम नहीं होगा, आपको कितनी सारी दिक्कतें आ जाएंगी, तो वो सुख देने वाली चीज क्या दे दिया? दुख दे दिया आपको। तो इसलिए जो भी विनाशी चीजें हैं इन सब हमें ये क्लियर ज्ञान होना चाहिए, भले यूज करो, बाबा खिला रहा है अच्छी बात है खाओ, लेकिन ये ज्ञान को बुद्धि में रखते हुए खाओ कि ये सब विनाशी चीजें हैं, इनसे अविनाशी खुशी प्राप्त नहीं होगी, इनसे विनाशी खुशी प्राप्त होगी थोड़े समय की। ये ज्ञान को बुद्धि में रखते हुए ही हमें हर चीज को यूज करना है, यूज करो बाबा कहता है, साधन है यूज करो। संबंधों में भी जब हम मिलते हैं एक दूसरे के संबंध में आते हैं वहां भी हमें ये चीजें क्लियर होनी चाहिए बुद्धि में कि ये संबंध हमें सुख देने के लिए नहीं है, मुझे सुख देना है, मुझे सुख देना है सबको, लेकिन मैं दूसरों से अपेक्षा रखूं कि वो, मैं इतना सुख दे रहा हूं तो वो भी मुझे दे, ये ही सबसे बड़ी गड़बड़ है। जहां हम ये मांगता कटोरा ले लेते हैं ना, ये मैं इतना प्यार दिया मेरे को नहीं दिया, मैं इतना सम्मान दिया मेरे को नहीं दिया, ये सब क्या है? बाबा कहता है कटोरा है, कटोरा ले लिया अपने हाथ में, भीख मांगने शुरू कर दिया आपने। भगवान के बच्चे जिसको भगवान ने सम्मान दिया, जिसको भगवान ने प्यार दिया, वो किससे मांग रहा है? जिसको सूर्य प्रकाश दे रहा हो दीपकों से प्रकाश ले रहे हैं या उसकी अपेक्षा रख रहे हैं, ये सब क्या है? टिमटिमाते दीपक हैं सब आत्माएं, हमें तो सूर्य प्रकाश दे रहा है, हमें तो वो ज्ञान दे रहा है, वो प्यार दे रहा है, वो सम्मान दे रहा है। भगवान ने सम्मान दिया ना हमें, किसने सम्मान दिया? माताओं को बाबा क्या सम्मान दिया? आपको स्वर्ग का द्वार बना दिया बाबा ने, है ना? तो फिर वंदे मातरम किसने कहा? शिव शक्ति बना दिया, वंदे मातरम किसने कहा? भगवान ने, भगवान ने सम्मान दिया ना, तो हम क्यों इंसान से इच्छा रखें? तो हमें देना है। दादी, बड़ी दादी जो थे प्रकाशमणि दादी, उनका एक स्लोगन था, काफी मैंने कई बार सुना, वो कहते थे मैं सबकी हूं पर मेरा केवल एक है। मैं सबकी हूं अर्थात मुझे सबको प्यार देना है, पालना देनी है, मैं सबकी हूं पर मेरा कोई नहीं, मेरा एक है जी। तो हाँ, लेना एक से है, देना सबको है, सोर्स एक ही है हमारा। तो बस ये अगर हम संकल्प रखते हैं मन में तो फिर हमारे अंदर कोई किसी से अपेक्षा ही नहीं होगी कि ये हमें कुछ करे, क्योंकि ये अपेक्षाएं ही मनुष्य को खुश नहीं रहने देती। अपेक्षाएं जो हम रखते हैं, अब वो पहले ही बेचारा खाली है, वो क्या देगा आपको, और हम उससे ही अपेक्षा रख रहे हैं, तो ये सब कारण हैं जिससे हमारी खुशी गायब होती। जितना जितना हमारी संतुष्टता बढ़ेगी उतनी उतनी हमारी खुशी सदैव रहेगी। संतुष्टता, अपने आप को हमें समझाना होगा कि हमें जो मिला है वो इस संसार में किसी को नहीं मिला, फिर भी हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मन का एक आदत है, वो उसको और चाहिए, वो कभी संतुष्ट होने नहीं देता आत्मा को। इसलिए उसको मन को समझाना पड़ेगा कि हे मेरे मन, तुम कहाँ दौड़ रहा है, तुमको तो वो मिला है जो इस संसार में करोड़ों करोड़ों लोगों को नहीं मिला, तुमको तो स्वयं भगवान साक्षात वो आकर के पढ़ा रहा है, वो आके प्यार दे रहा है, सम्मान दे रहा है, इस स्वर्णिम दुनिया का मालिक बना रहा है, जिसका आपने कल्पना भी नहीं की थी कभी,
कभी सोचा भी नहीं था भक्ति में, तो हमने चरणों की चरणों में जगह मांगी थी, कहाँ जगह दी बाबा ने, अपने दिल में बिठा लिया, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए हथेली पर बहिष्त लेके आए हमारे लिए। तो हमें इन बातों का चिंतन करना है, तो फिर आपको कहीं किसी से इच्छा ही नहीं रहेगी। इच्छा नहीं रहेगी तो सदा खुश, फिर आपकी खुशी को कोई भी छीन नहीं सकता। यही बातें हैं जो हमारी खुशी को छीनती हैं, कि हम किसी से अपेक्षा रखते हैं, किसी की शिकायत करते हैं, ये ऐसा है वो ऐसा है। ना हमें किसी की शिकायत करनी है, ना किसी से अपेक्षा रखनी है, ना किसी से कंपटीशन करना है। हमारा किसी से कंपटीशन भी नहीं है, प्रतियोगिता, हमारा प्रतियोगिता है तो अपने आप से है। मेरी प्रतियोगिता किसके साथ है? स्वयं से, कि मैं कल जो था आज वैसा ही हूं, एक साल पहले जो था वही हूं, है ना। किससे कंपैरिजन करना है हमें? अपने आप से, कि कुछ प्रोग्रेस हुई या नहीं हुई। आप चेक करो, आपको 10 साल ज्ञान में हो गए, 20 साल हो गए होंगे, तो जब आप ज्ञान में आए थे या 2-4 साल के थे, उस समय की स्थिति और अभी की स्थिति में कुछ अंतर महसूस हो रहा है? कुछ मैच्योरिटी महसूस हो रही है आपको? कुछ स्थिरता आई है आपके अंदर, है ना। ये चेक करने की चीज़ है, क्योंकि जैसे जैसे हम ज्ञान में पुराने होते जाते हैं, वो मैच्योरिटी आती है। हम कोई भी बात को जल्दबाजी में नहीं लेते, है ना। हम स्थिरता आती है आत्मा के अंदर, और वो अनुभवी होती जाती है। वो बातों को भी समझती है, कि बातें आएंगी जाएंगी, लेकिन उसमें कुछ ताकत नहीं है बातों में, क्योंकि बाप हमारे साथ है। तो जिसको ये स्मृति है, बाप हमारे साथ है, तो बातों का उसको ज़्यादा परवाह नहीं होती, और वो जीवन में इतनी चीज़ें देख चुके होते हैं, उसको पता है कि ये बातें आई हैं चली जाएंगी, इसका कोई सार नहीं है। तो इस तरह हम अपनी स्थिति को पावरफुल बनाएं और इन खजानों को जमा करें। जितने हमारे खजाने भरपूर होंगे, उतनी ही हमारी खुशी बढ़ेगी, चाहे ज्ञान का खजाना। और कौन कौन से खजाने हैं हमारे, बताओ? सुख शांति का, अतीन्द्रिय सुख का, और बताइए। भाई लोग चुप हैं, देखो माताएं होशियार हैं, नंबर ले जाएंगे तो आगे। संकल्पों का खजाना, सबसे बड़ा खजाना है संकल्पों का खजाना, समय का खजाना, श्वासों का, बहुत बढ़िया। और बताइए भाई जी, आपको खजानों को गिनती करते रहा करो, जैसे पैसे वाले लोग नोट वोट गिनते रहते हैं ना अपने, तो ऐसे अपने खजानों को चेक करते रहा करो, कौन कौन से खजाने हमारे पास। गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, परमात्म प्रेम का खजाना, ऐसे ऐसे खजाने जो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, ऐसे खजाने बाबा ने दिए हुए। तो उसमें एक संकल्प का खजाना जो किसी ने बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट खजाना है। संकल्प, संकल्प भी कौन से, श्रेष्ठ संकल्प। दुनिया में आप किसी से बोलना कि भैया जरा 10 श्रेष्ठ संकल्प करके सुनाओ जल्दी, वो नहीं सुना पाए, बोले श्रेष्ठ संकल्प वो कौन से होते हैं, वो कन्फ्यूज हो जाए, क्योंकि खजाना है ही नहीं उनके पास। बाबा के बच्चों के पास श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का नूर रतन बच्चा हूँ। तो ये ऐसे श्रेष्ठ संकल्प हैं, तो ऐसे खजाने हमारे पास हैं। इन खजानों को जितना स्मृति में लाओगे, उतने ही बढ़ेंगे। अगर ये जैसे हमने बैंक में जमा कर देते हैं पैसे, अब वो बढ़े, हमें याद है कि भाई हमने जमा कर रखे, पर हम यूज़ तो नहीं कर रहे ना उनको। तो ऐसे ही खजाने तो हैं, पर खजाने को यूज़ नहीं कर रहे ना हम। तो खुशी यूज़ करने से होगी या केवल जमा करने से होगी? उनको यूज़ करो, रोज़ रोज़ स्मृति में लाना, अर्थात यूज़ करना। उन खजानों को स्मृति में लाओ रोज़ रोज़, तो वो असर करेंगे ना, वो खुशी देंगे वो आपको। तो ये खजानों से हम भरपूर रहें, इन सब बाबा जो इतने खजाने दे रहा है, इनसे हम सदा भरपूर रहें, तो ये जीवन हमारा सदा सदा खुश। बाबा सदा शिव है ना, तो वो सदा खुश देखना चाहता है बच्चों को, कभी कभी नहीं, कि कभी खुशी कभी गम, है ना। दुनिया में तो ऐसे ही कहते हैं ना, वो तो ये शब्द कह ही नहीं सकते कि सदा खुश भी रहा जा सकता है, दुनिया में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन बाबा के बच्चों के लिए सदा खुशी, शरीर भी चला जाए लेकिन बाबा ने यहाँ तक कहा हुआ है, इतनी वैल्यू बाबा ने खुशी को दी हुई है। और बाबा ने कहा खुशी रहेगी तो सूखी रोटी भी नरम हो जाएगी। अभी कुछ समय पहले वरदान में आया था कि सूखी रोटी भी अगर बाबा की याद में खुशी से खाएंगे तो भी नरम हो जाएगी, वो नुकसान नहीं करेगी आपको। खुशी इतना बड़ा खजाना है, इतनी बड़ी खुराक है, तो ऐसी खुराक बाबा खिला रहा है। तो ऐसी खुराक खाने वाले आप सभी विशेष आत्माएं, भाग्यवान खुशनसीब आत्माओं को ओम शांति। चलिए टाइम हो गया, अभी हम बाबा को याद करते हैं।
तो क्या रहा क्लास का सार आज का? खुश रहना है, लेकिन उसके लिए क्या पॉइंट आप बुद्धि में रखेंगे? स्मृतियों को, हाँ स्मृतियों को, अच्छी अच्छी स्मृति को लाना है। जब भी योग में बैठे तो ऐसे डल होके नहीं बैठे कि बस मैं आत्मा हूं, बस नहीं, बाबा से बात करते रहो, अपने आप से बातें करते रहो, अपने भाग्य के गुणगान करो, अपने सुमानों को याद करो, है ना। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो फिर वो खुशी वाला चेहरा रहेगा, खुश्क नहीं। बाबा कहते हैं खुश्क नहीं, खुशी वाला चेहरा चाहिए। ओके, ओम शांति।